Hello students, welcome again. Today I am going to deal pre-independence Indian English novel for semester 2, core course 3, unit 1. आज हम लोग pre-independence Indian English novel पढ़ेंगे, जो semester 2 के core course का third paper है और unit 1 का बहुत ही important question है. जो question हम लोगों को पढ़ना है वो है discuss the development and characteristics of pre-independence इंडियन इंग्लिश नॉवेल, यानी प्री इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के पहले भारतीय इंग्लिश नॉवेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हम लोगों को पढ़ना है. लेट अस सी द इंट्रोडक्शन. द नॉवेल इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म फॉर अ राइटर टू कीप हिमसेल्फ ऑलवेज इन टच विद द कॉमन रीडर्स. एक राइटर के लिए नॉवेल एक ऐसा जेनर है जिससे वह हमेशा अपने रीडर्स के साथ टच में रह सकता है. इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जेनर्स व्हिच टचेज द हार्ट्स ऑफ द रीडर्स सिंस इट इज़ कॉल्ड पॉकेट थिएटर एंड आवर माइंड एंगेजेस इन इमेजिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स एंड प्लॉट ऑफ द नॉवेल एंड गिव्स एस्थेटिक प्लेजर ऑफ लिटरेचर. यह एक फाइनेस्ट जेनर्स में से एक है जो रीडर्स के हार्ट को टच करता है. इसे पॉकेट थिएटर भी कहा जाता है. यह हमारे माइंड को एंगेज करता है इमेजिनेशन में, कैरेक्टर्स और प्लॉट में. साथ ही साथ यह हमें लिटरेचर के सौंदर्य का आनंद देता है. नाउ लेट अस सी द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल. कैसे इसका विकास हुआ? द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल कैन बी ट्रेस्ड विद द पब्लिकेशन ऑफ बंकिम चंद चटर्जीज राजमोहन्स वाइफ. यानी बंकिम चंद चटर्जी द्वारा लिखा राजमोहन्स वाइफ नामक उपन्यास के पब्लिकेशन के साथ ही हम लोग राइज ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल को ट्रेस करते हैं. इसे पब्लिश किया गया 1864 में एंड लाल बिहारी डेज गोविंद सामंता, जो कि पब्लिश हुआ 1874 में, इन द 19th century 19वीं शताब्दी के दौरान. इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश ग्रू बाय लिप्स एंड बाउंड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ थीमेटिक वराइटी एंड लिंग्विस्टिक मेच्योरिटी. साथ ही साथ इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश जो है वो लिप्स एंड बाउंड्स यानी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता गया थीमेटिक वैरायटी के साथ, साथ ही साथ लिंग्विस्टिक मैच्योरिटी भी इसमें आती गई. बट द चीफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश इज द इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश एडुकेशन. यानी जो चीफ फैक्टर है जो कि उत्तरदायी है इसके डेवलपमेंट के लिए इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश, वो है इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, नेशनल अवेकनिंग एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन मॉडल्स. साथ ही साथ नेशनल अवेकनिंग और जो यूरोपियन मॉडल्स का इन्फ्लुएंस है जिसके कारण इसका विकास हुआ. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश बिकेम थॉरली इंडियन इन टर्म्स ऑफ थीम्स टेक्निक्स एंड द ह्यूमन वैल्यूज. यह समय के बदलाव के साथ भारतीय नॉवेल जो था इंग्लिश का, वो थीम टेक्निक और ह्यूमन वैल्यूज के साथ यह अपना बनाता चला गया. इसके अपने थीम्स, अपने टेक्निक्स और अपने वैल्यूज होते गए. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर. हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह वेस्टर्न लिटरेचर का एक प्रतिफल है, यानी रिजल्ट है, गिफ्ट है. फिर भी भारतीयता इसमें अलग से झलकती है. डेवलपमेंट फैक्टर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? अकॉर्डिंग टू एच एम विलियम्स, इट इज अनडाउटेडली द मोस्ट पॉपुलर व्हीकल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंडियन आइडियाज टू द वाइडर इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड. तो नॉवेल जो है एक माध्यम बना जो ट्रांसमिट कर सकता था इंडियन आइडियाज को वाइडर इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में, इसलिए नॉवेल्स को लिखा जाने लगा. अकॉर्डिंग टू मीनाक्षी मुखर्जी, द नॉवेल इन इंडिया कैन बी सीन एज द प्रोडक्ट ऑफ configuration in philosophical, aesthetic, economic and political forces in the larger life of the country. मीनाक्षी मुखर्जी के अनुसार भारत में जो नॉवेल है उसको देखा जा सकता है एक प्रोडक्ट के रूप में जो कन्फिगर करता है फिलोसॉफिकल, एस्थेटिक यानी सौंदर्य, इकोनॉमिक यानी आर्थिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस और राजनीतिक जो बल है इन द लार्जर लाइफ ऑफ द कंट्री, क्योंकि कंट्री के लार्जर लाइफ को यह बहुत प्रभावित करता है. डिस्पाइट ऑब्वियस रीजनल वेरिएशंस, अ बेसिक पैटर्न सीम्स टू इमर्ज फ्रॉम शेयर्ड फैक्टर्स लाइक पुरानिक हेरिटेज, हायरार्कियल
सोशल स्ट्रक्चर, कॉलोनियल एजुकेशन, डिसजंक्शन ऑफ एग्रीरियन लाइफ एंड मेनी अदर्स दैट इफेक्ट द फॉर्म ऑफ नॉवेल एज वेल एज इट्स कंटेंट। तो जो चीज़ें हम देख चुके हैं इसके अलावे जो ऑब्वियस चीज़ें हैं जो इसको प्रभावित करती हैं उसमें रीजनल वेरिएशंस हैं, बेसिक पैटर्न हैं, साथ ही साथ इसमें जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें पुराणों की चीज़ों को लिखा गया, हायरार्की दिखाया गया जो समाज में सोशल स्ट्रक्चर में ऊंच नीच, छोटी जाति बड़ी जाति, जो विभाजन था समाज का, कॉलोनियल एजुकेशन जो था, इंग्लिश का आगमन जो हुआ, डिसजंक्शन ऑफ एग्रेरियन लाइफ, जो समाज में खेतिहरों की जो जिंदगी थी, ये सारी चीज़ें जो है वो नॉवेल के कंटेंट को बहुत प्रभावित करती हैं। नाउ वी हैव स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कैसे कैसे डेवलप हुआ। द इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री सक्सेसिव पीरियड सच एज नॉवेल फ्रॉम 1875 टू 1920, नॉवेल फ्रॉम 1920 टू 1947 एंड नॉवेल फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स। तो ये डिवीजन है और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, कैसे कैसे नॉवेल का डेवलपमेंट हुआ है 1875 से 1920, 1920 से 1947 और 1947 से आगे का। आइए हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अर्ली रियलिज्म, क्रिटिकल रियलिज्म एंड मॉडर्निज्म। कैसे नॉवेल को इन रियलिज्म के आधार पर और मॉडर्निज्म के आधार पर बांटा जा सकता है, जो तीन फैक्टर्स हैं, अर्ली रियलिज्म शुरुआती वास्तविकतावाद, क्रिटिकल रियलिज्म आलोचनात्मक वास्तविकतावाद और मॉडर्निज्म यानी आधुनिकतावाद। अर्ली रियलिज्म जो है वो 1864 से 1935 के बीच माना जाता है, क्रिटिकल रियलिज्म 1935 से 1960 और मॉडर्निज्म जो है 1960 से 1980 और फिर द न्यू नॉवेल फ्रॉम 1981 ऑनवर्ड्स, इसको हम लोग न्यू नॉवेल के नाम से जान सकते हैं। ब्रॉडली इट कैन बी स्टडीड एज, इसको विस्तृत रूप से अगर पढ़ना है तो हमें कैसे पढ़ना होगा, द ट्रेडिशनल नॉवेल ऑफ सोशल रियलिज्म बिफोर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के पहले सामाजिक वास्तविकतावाद क्या था, द मॉडर्न नॉवेल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस और मॉडर्न नॉवेल में कैसे एक्सपेरिमेंटेशन आया इंडिपेंडेंस के बाद, सो पढ़ना है, एंड अ न्यू कंटेम्प्रेरी नॉवेल सिंस 1981 और समकालीन उपन्यास जो 1981 के बाद आता है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉवेलिस्ट ऑफ प्री इंडिपेंडेंस नॉवेल्स। तो प्री इंडिपेंडेंस नॉवेल्स के क्या क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन से नॉवेलिस्ट थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द प्री इंडिपेंडेंस इंग्लिश नॉवेल वेयर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द नेशनल अवेकनिंग एंड द सोसाइटी इन ए रियलिस्टिक मैनर। चूंकि भारत गुलाम था तो उस समय नेशनल अवेकनिंग चल रहा था, लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही थी, तो उसी पर ये कॉन्सेंट्रेटेड था। बंगाल सीम्स टू बी द सोर्स ऑफ इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश फॉर द प्रोमिनेंट पायनियर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी में प्रोमिनेंट पायनियर जो है प्रणेता माने जाते हैं वो बंगाल से ही हुए, जिनमें से द अपर क्लास बंगाली राइटर्स लाइक बंकिम चंद चटर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, थोरू दत्त एंड रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग थे, हु डेल्ट विद द सोशल प्रॉब्लम्स, जिन्होंने सामाजिक समस्याओं को सामने रखा विद देयर रीच, जहाँ तक वे पहुँच सके। दे वर सोशल रिफॉर्मर्स, वे समाज सुधारक थे, एंड विद देम द नॉवेल बिकेम एन एक्सरसाइज इन सोशल रियलिज्म, और इन्हीं की मदद से समाज में वास्तविकतावाद को देखा जाने लगा और उनका उपयोग किया जाने लगा लेखन में। नाउ वी हैव इन्फ्लुएंसेस ऑन नॉवेल्स एंड डिपिक्शन ऑफ ओन ट्रेडिशन। नॉवेल्स के ऊपर किनका किनका प्रभाव है, किन चीज़ों का प्रभाव है और कैसे उसमें अपना ट्रेडिशन को शामिल किया गया। द इंडियन राइटर्स वेर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन मास्टरपीसेस ऑफ लियो एंड टॉलस्टॉय, हेनरी बेल्जैक एंड फ्योडोर डस्टोवस्की इन इंग्लिश ट्रांसलेशंस। देर वॉज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ द नॉवेल्स ऑफ द रोमांटिक्स एंड द अर्ली विक्टोरियंस डिकेंस एंड ठैकरे। तो इंडियन राइटर्स जो लिखना शुरू किए, यूरोपियन मास्टरपीसेस का प्रभाव उसमें देखने को मिलता है, लियो टॉलस्टॉय की लिखी हुई चीज़ें, हेनरी बेल्जैक की लिखी हुई, इसी तरीके से यूरोपियन विक्टोरियन नॉवेलिस्ट जो डिकेंस और ठैकरे हैं उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। बट द इंडियन नॉवेलिस्ट वेर नॉट द ब्लाइंड इमिटेटर्स ऑफ द वेस्टर्न मॉडल्स। लेकिन इंडियन नॉवेलिस्ट जो थे वो अंधों के भांति उनका इमिटेशन नहीं करते रहे, नकल नहीं मारते रहे। ऑन द अदर हैंड
दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, दे ट्राई टू एस्टैब्लिश देयर ओन ट्रेडिशन ऑफ नॉवेल राइटिंग इन अकॉर्डिंग्स विद द एज ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग। उन्होंने अपनी चीज़ों को, अपने ट्रेडिशन को नॉवेल में शामिल किया, स्टोरी टेलिंग करना शुरू किया। बंकिम चंद चटर्जीज ओनली नॉवेल इन इंग्लिश, राजमोहन्स वाइफ, लेट डाउन द फाउंडेशन फॉर द फर्स्ट जनरेशन नॉवेलिस्ट टू रिकॉर्ड द रिच हेरिटेज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। और इसी दौरान बंकिम चंद चटर्जी द्वारा लिखित राजमोहन्स वाइफ जो है, इसने एक फाउंडेशन तैयार किया फर्स्ट जनरेशन के नॉवेलिस्ट के लिए, जो कि एक रिकॉर्ड है और हेरिटेज है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया का। ठीक है, नाउ वी हैव नॉवेल ड्यूरिंग एंड आफ्टर 1930s। 1930 के दौरान और उसके बाद नॉवेल की क्या स्थिति रही। इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश वॉज अफेक्टेड बाई सोशियो पॉलिटिकल अफेबल्स ड्यूरिंग द 1930s ऑनवर्ड्स। तो इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश जो है बहुत प्रभावित रहा सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल से 1930 और उसके आगे भी। द राइटर्स सच एज मुल्कराज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लोर द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी फ्रॉम देयर स्पेसिफिक व्यूज विदाउट डिस्टॉर्टिंग द रियलिटी। महान जो लेखक थे मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, इन्होंने अटेम्प्ट किया, एक्सप्लोर किया उस समय के समकालीन भारतीय समाज का और स्पेसिफिक व्यूज का, और बिना उसे तोड़े मरोड़े वास्तविकता को सामने रखा। दे वर रिफॉर्मिस्ट एंड डायडेक्टिक, येट द मोटिव ऑफ प्रोपेगेंडा रिमेन विद देम। और उनका जो मोटिव था वो सेम ही रहा, उन्होंने समाज को बदलने की बहुत कोशिश की। द रियल बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ मुल्कराज आनंद अनटचेबल इन 1935, आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स इन 1935 एंड राजा राउज कांथापुरा इन 1938। तो मुल्कराज आनंद, आर के नारायण और राजा राव के साथ, उनके नॉवेल्स अनटचेबल, स्वामी एंड फ्रेंड्स और कांथापुरा के साथ वास्तविक इंडियन इंग्लिश नॉवेल की शुरुआत हुई। और इन्होंने एस्टैब्लिश किया द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन, और इन्होंने ही इंडिया में ट्रेडिशन स्थापित किया इंडियन इंग्लिश फिक्शन का। नाउ वी हैव ग्रैंड नॉवेलिस्ट्स एंड वर्क्स ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस के दौरान कौन कौन से महान लोग हैं, तो हम लोगों ने उनका नाम ले ही लिया है, मुल्कराज आनंद जिनके नॉवेल्स कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, द बिग हार्ट, ये सब मुल्कराज आनंद के महान उपन्यास हैं। हिज नॉवेल अनटचेबल इज ए क्लासिक एक्सपेरिमेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ थीम एंड टेक्निक। उनका जो उपन्यास है अनटचेबल, वो क्लासिक एक्सपेरिमेंटेशन के तहत रखा जा सकता है, इसके थीम और टेक्निक को ध्यान में रखते हुए। इट रिप्रेजेंट्स अ डे फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग इन द लाइफ ऑफ अ स्वीपर बॉय नेम्ड बखा हु इज द विक्टिम ऑफ अनटचेबिलिटी। एक बखा नाम के एक कैरेक्टर को लेकर उन्होंने लिखा है, जो सुबह से शाम तक वो स्वीपर का काम करता है और वह एक अनटचेबिलिटी का शिकार है, ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में यह बताया गया है इसमें। आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स, टू द पेंटर ऑफ साइंस, हिज नॉवेल्स द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपत ब्रिलियंटली एंड रियलिस्टिकली डिस्क्राइब द साउथ इंडियन लाइफ। तो आर के नारायण के ये उपन्यासकार जो है वो साउथ इंडियन लाइफ को दिखाते हैं। सो दीज आर ग्रेट नॉवेल्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंस। राजा राव्स कांथापुरा इज अ वॉल्यूबल अकाउंट ऑफ प्रिमिटिविस्टिक रिलीजियस पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटीज ऑफ रूरल पीपल। तो राजा राव का कांथापुरा जो है वो एक बहुत ही वॉल्यूबल अकाउंट है, इसके शब्द जो है एकदम बोलते हैं, और प्रिमिटिव जो पुरातन स्थिति जो थी वहाँ की, धार्मिक राजनीतिक और सामाजिक एक्टिविटीज़ थी रूरल लोगों का, वो दिखाया गया है इसमें। द नॉवेल इज़ ए कलरफुल ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। यह नॉवेल जो एक तरह से रंगीन ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन है शब्दों की मदद से, कैरेक्टराइजिंग द एंटायर कंट्री कांथापुरा इन इंडिया इन मिनिएचर। एक छोटे रूप में पूरे भारत को कांथापुरा में दिखाया गया है। नाउ व्हाट वी गेट इन कंक्लूजन, तो हम क्या कंक्लूजन में पाते हैं। दस द अर्ली इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स वेयर स्केची, डोमेस्टिक एंड अलूफ फ्रॉम द पॉलिटिकल हैपनिंग्स। शुरुआती दौर में यह केवल डोमेस्टिक था या पॉलिटिकल हैपनिंग से दूर था,
बट लेटर द नॉवेलिस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द नेशनल अवेकनिंग एंड द सोसाइटी इन द रियलिस्टिक मैनर. बाद में इसमें देशभक्ति की चीज़ें, नेशनल अवेकनिंग, सोसाइटी और रियलिस्टिक मैनर को लेकर लिखा गया. द अर्ली नॉवेलिस्ट डिपिक्टेड रूरल एंड डोमेस्टिक लाइफ, और शुरुआत के नॉवेलिस्ट जो थे उन्होंने डिपिक्ट किया डोमेस्टिक लाइफ को फिल्ड विथ सुपरस्टिशंस, जिसमें अंधविश्वास थे, एंड रिलीजियस वीम्स, धार्मिक भावनाएं जो कि आडंबर थे, विथ एन इक्वल इम्फेसिस ऑन द मॉरल्स एंड सोशल इल्स. साथ ही साथ नैतिक चीज़ों को, सामाजिक बुराइयों को दिखाया गया. द मेजर कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा इज ऑफ मैन एंड नॉट ऑफ वुमेन. यानी उस समय वुमेन नॉवेलिस्ट उतने निखर कर सामने नहीं आए थे, इसलिए मेन नॉवेलिस्ट जो थे वो ज़्यादा थे. नॉवेल बिकेम एन एस्टैब्लिश आर्ट फॉर्म इन द वर्क्स ऑफ थ्री मस्केटियर्स, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव, हु वर स्टिल एक्टिवली एंगेज्ड इन क्रिएटिंग राइटिंग एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी. तो उस दौरान नॉवेल जो था एक आर्ट के फॉर्म में एस्टैब्लिश हो चुका था, जिसके तीन प्रणेता मुल्कराज आनंद, आर के नारायण और राजा राव थे. उन्होंने सेंचुरी के टर्न होने के बावजूद भी एक्टिवली इंगेज रहे राइटिंग में, क्रिएटिव राइटिंग में, एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, और यहाँ तक कि सेंचुरी के परिवर्तन के दौरान भी वे एक्टिव रहे. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द प्री इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप ऑन वॉचिंग. थैंक्स अ लॉट अगेन. हैव अ गुड डे. बाय बाय.